वेलकम टू कैरम बस दोस्तों, आज हम देखेंगे कि मस्ट कैरी दीज 9 आइटम्स बिफोर गोइंग टू कैरम मैच, मतलब मैच को जाने के वक्त ये 9 आइटम्स अपने पास होने चाहिए बिफोर गोइंग टू मैच। क्यों, ये हम लोग अभी ये वीडियो में देखेंगे। सो लेट्स गो टू स्टार्ट अ वीडियो। हाँ, तो उसमें फर्स्ट आइटम जो आ रहा है वो आ रहा है कि स्ट्राइकर। बेसिकली ये तो कॉमन चीज़ हो गया, हम लोग मैच के लिए जा रहे हैं, स्ट्राइकर ना वैसे हो भी नहीं सकता, मतलब इस लाइक क्रिकेट मैच के लिए जा रहे हैं और बैट नहीं लिया। एक ये बात नहीं है, मैं बात कर रहा हूँ कि एक्स्ट्रा स्ट्राइकर आपके पास अगर एक ही स्ट्राइकर है, इट इज़ वेरी रिस्की। बिकॉज समटाइम्स क्या होता है कि हम लोग मैच के लिए जाते हैं और वहाँ पर अपना स्ट्राइकर कभी कभी ख़राब हो जाता है या फिर ओवरवेट हो जाता है। एज़ यू नो कि पूरे मतलब जो टूर्नामेंट्स होता है उसमें ओनली 15 ग्राम का ही स्ट्राइकर लगता है एज़ पर MCA, जो महाराष्ट्र कैरम एसोसिएशन का रूल्स है, एज़ पर लॉ इंडियन कैरम लॉ, ऑल इंडिया कैरम लॉ के हिसाब से। तो ऐसे वक्त में अगर आपके पास एक ही स्ट्राइकर है, वो ख़राब हो गया या फिर ओवरवेट हो गया, वो सर्टिफाइड नहीं हो सका, तो फिर क्या करोगे? तो ऐसे ऐसे सिचुएशन के लिए हैंडल करने के लिए यू मस्ट कैरी एक्स्ट्रा स्ट्राइकर। आपके पास दो मिनिमम स्ट्राइकर होना चाहिए, मैक्सिमम कितना भी रख सकते, बट एटलीस्ट दो स्ट्राइकर होना चाहिए। नहीं तो क्या हो सकता है, अगर स्ट्राइकर नहीं हुआ तो मैच कैसे खेलोगे और खाली पकड़ आपको वॉकआउट होना पड़ेगा। अगर हाँ आपका कोई फ्रेंड है उसके उसके साथ से ले सकते हो, उसके साथ मतलब उसके पास रहेगा इसका ले सकते हो, बट उसका भी मैच रहा तो यू ऑल्सो वांट ना, अगर उनका उसके पास भी वैसा ही सिचुएशन हुआ तो इसके लिए मिनिमम 2 स्ट्राइकर आपके पास होना ही चाहिए। तो सेकंड आ जाता है ड्रॉ एंड फिक्सर, जो जैसे आपको पता है आपके मैच कब है, कहाँ पे है, किसके साथ है। इसका ड्रॉ एंड फिक्सर आपको मैच के मैं एकदम मैक्सिमम बोले तो आपको बिफोर वन डे तो आता ही है। अभी MCA का तो मैच है तो उनका तो 1 हफ्ते पहले ही आता है। बहुत सारी जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उनका मैचेस रहेगा, कैरम का टूर्नामेंट तो बहुत पहले ही आता है, बट लोकल टूर्नामेंट्स है तो उनका कभी कभी लेट हो जाता है, तो एटलीस्ट 1 डे बिफोर तो आता ही है। तो आपको वो ड्रॉ एंड फिक्सर कैरी करना है, मतलब अभी तो व्हाट्सअप पर ही आता है तो यू कैन सेव इन योर मोबाइल ऑल्सो, वहाँ पर देख सकते हो। और क्यों, क्योंकि क्या समटाइम्स क्या होता है आपको पता ही नहीं रहता कितने बजे मैच है, कितने के साथ छोड़ो कितने बजे मैच है वो नहीं आपको पता चल, तो इसके लिए वहाँ पे जाके वहाँ पे सर्च करने से अच्छा है आपके पास ड्रॉ एंड फिक्सर हो तो आप वहाँ पे ही देख सकते हो, उसके हिसाब से आप घर से निकल सकते हो बिफोर 1 आवर 2 आवर जो भी रहेगा। तो इसके लिए आपको, और उसमें उसका फ़ायदा है कि नेक्स्ट मैच भी कितने, समझो फर्स्ट मैच है उसके बाद नेक्स्ट राउंड कितने बजे, इसका भी आपको अंदाज़ा आ सकता है। तो इसके लिए ड्रॉ एंड फिक्सर आपके पास रहना चाहिए। तो ये था सेकेंड आइटम। अभी थर्ड नंबर आता है 0 नंबर क्वालिफायर। आपको बहुत सारे प्लेयर्स को पता ही रहेगा, बट अगर न्यू कमर है तो उनको पता नहीं रहता कि स्ट्राइकर को पॉलिश करने के लिए 0 नंबर पॉलिश पेपर लगता है, ना कि एक जनरल स्टोर्स में जैसे एक पॉलिश पेपर मिलता है वैसे वाला चलता है, नहीं तो वो डैमेज हो जाएगा। तो इसके लिए 0 नंबर पॉलिश पेपर का पॉलिश पेपर लगता है और यू मस्ट कैरी द 0 नंबर पॉलिश पेपर, क्योंकि कभी कभी क्या होता है मॉइस्चर के वजह से या फिर समटाइम्स बीच में ही अटक जाता है स्ट्राइकर मैच के दौरान या फिर प्रैक्टिस के टाइमिंग में। तो आपको 0 नंबर पॉलिश पेपर आपके साथ रहना ही चाहिए, इनकेस ऐसा सिचुएशन आता है तो वहाँ आप उसको क्योर कर सकते हो, उसको ठीक कर सकते हैं अपना पॉलिश पेपर से अपने स्ट्राइकर को। समझ रहे हो आप। फोर्थ चीज है बैकपैक। अभी बैकपैक को बोलेंगे कि मैच के लिए क्यों बैकपैक जरूरी है, मत करो, आप थोड़ी मैच्योर बैग ले जाओ, थोड़ी स्पोर्टी बैग ले जाओ। देखो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, देखो बैकपैक जरूरी है, मस्ट नहीं है बट एटलीस्ट हुआ तो अच्छा है। क्यों कि क्या होता है समटाइम्स अपना स्ट्राइकर या फिर कॉइन सेट लेके जा रहे हो और कुछ भी आपका सामान रहेगा, जैसे आगे जो आइटम्स है उसमें आपको पता ही चलेगा क्या क्या रखना है, तो एक बैकपैक रहेगा तो एक अच्छा रहता है, उसमें कुछ भी आपका सामान रहेगा तो उसमें डाल सकते हैं। एक्स्ट्रा स्ट्राइकर है थोड़ी आप जेब में रखोगे, अनकम्फर्टेबल भी होता है, आपका वॉलेट भी रहता है तभी आप नहीं खेल सकते। अभी ट्रैक्स पहना रहेगा तो उसमें तो जो पॉकेट साइज है वो छोटा रहता है, फिर बड़ा रहेगा तो भी उसमें डाल के आप खेल नहीं सकते, आपको डिस्कम्फर्ट हो जाएगा। तो इसके लिए बैकपैक रहना ज़रूरी है।
तो इट इज इन मस्ट कैटेगरी आ सकता है ये। इसके बाद है वाटर बॉटल। अभी बेसिकली वाटर बॉटल मतलब वहाँ पे जहाँ पे वेन्यू है, जो मैच का वेन्यू, वहाँ पर पानी की तो मतलब सुविधा रहती है, वहाँ पे रहता है अवेलेबल तो पानी रहता है, बट नो वन नोज। कभी कभी क्या होता है वहाँ पे नहीं रहता, वहाँ पे समटाइम्स लोकल मैचेस में, वैसे कहाँ पर भी मैचेस होते हैं तो वहाँ पर पीने के पानी का मतलब वैसा सुविधा नहीं रहता। तो मतलब अगर आपके पास पानी का बॉटल रहेगा तो अच्छा है। क्या होता है कभी कभी वेन्यू 2-3 मैच एक साथ ही एक ही दिन में रहते हैं, तो क्या होता है आप पूरे दिन वहाँ पे रहोगे और आपको समटाइम्स क्या होता है डिहाइड्रेशन हो जाता है मैच के दरमियान, थोड़ा टेंशन ये वो, थोड़ा प्यास लगती है। अगर प्यास नहीं रहेगी, आप थर्स्टी हो, तो आपका गेम में कंसंट्रेशन नहीं रहेगा। तो अगर पानी पियोगे, खुद को हाइड्रेट रखोगे, तो इट इज़ गुड फॉर योर गेम ऑल्सो। इसके लिए पानी का बोतल हमेशा एक साथ रख के, अपने छोटा सा एक बोतल अपने बैग में रह सकते हैं, बैकपैक में ऐसे वाला रख सकते हो आप। याद आता है जो आइटम है वो पीलो। अभी बहुत सारे लोग बोलेंगे जो बिगिनर्स हैं उसको पता नहीं रहेगा, एक दो मैच खेले हुए हैं, या फिर जो थर्ड पार्टी मतलब जो मैच नहीं खेल रहे हैं वो देखेंगे तो बोलेंगे पीलो की क्या ज़रूरत है। बट क्या होता है, अभी हमने भी बहुत सारे मैच खेले हैं, क्या होता है समटाइम्स वहाँ पे जो चेयर रहती है वो थोड़ा उसका और कैरम का डिस्टेंस थोड़ा ऊपर नीचे होता है, मतलब आपको कंफर्टेबली खेलने नहीं आता है। तो अब क्या करते हो, आप दूसरे का एक्स्ट्रा चेयर लेके उस पर रख के आप खेलते हो, तभी आपको कंफर्टेबल खेलने को मिलता है। बट समटाइम्स क्या होता है पूरे मैचेस लगे रहते हैं और आपको चेयर नहीं मिलती, तब आपको उसी एडजस्टमेंट में खेलना पड़ता है और उसका असर पूरा गेम पे पड़ जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में ये अवॉइड करने के लिए एक छोटा सा पिलो, आप अगर बिगिनर हो तो आपको पता है नहीं रहेगा, लेकिन बहुत सारे प्लेयर्स पिलो लेके आते हैं और पिलो रख के मैच खेलते हैं, क्योंकि उनको कंफर्ट मिलता है, मीन्स वो डिस्टेंस जो मेंटेन रहता है। एक ही चेयर लेके आप थोड़ा सा एक छोटा सा साइज का एक पिलो लेंगे तो वो अच्छा रहेगा, वो डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए, अगर एक्स्ट्रा चेयर नहीं है तो। उसके बाद एक आइटम आ जाता है जो स्मॉल टॉवल, मतलब स्मॉल टॉवल मतलब ये नैपकिन जैसा ही होता है, थोड़ा सा बड़ा रखेंगे ये, क्यों आपका स्वेटिंग वगैरह जिसको आ रहा है उसके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये रहना ज़रूरी है। स्वेटिंग होता है, डिस्कम्फर्ट होता है, थोड़ा स्वेट आप उससे पोंछ लोगे तो अच्छा हो जाएगा। तो ये कैटेगरी में आता है, इतना तो मतलब मैं इसको नहीं दे रहा हूँ ये, बट अच्छा है, अगर रखोगे तो अच्छा है। अभी नेक्स्ट आइटम है हेडफोन्स। तो एयरफोन्स तो जस्ट अभी देखा जाए नॉर्मली सबके पास ही रहता है, क्योंकि फ़ोन है तो हेडफोन्स तो रहते हैं, किसी के पास नहीं रहता, कभी कभी भूल जाते हैं, बट हेडफोन्स रहना चाहिए। क्या होता है कि कभी कभी आपका फर्स्ट मैच होता है हो जाता है, या फिर जो फर्स्ट ओपनिंग सेरेमनी है उसका तो बहुत टाइम लगता है, कभी कभी टाइमिंग को कभी स्टार्ट ही नहीं होता 11 मैचेस, आपको भी पता है ओपनिंग सेरेमनी, या फिर जो आपका सेकंड मैच का गैप है उसका थोड़ा बहुत ज़्यादा रहता है, 1 घंटा या रहता है, कभी कभी 2 घंटे रहता है, कभी कभी 3-3 घंटा भी रहता है। तो आप थोड़ा टाइम पास करते हो, दोस्तों के साथ घूमते फिरते हो, या फिर अकेले रहोगे तो यहाँ वहाँ मैच देखते हो, बाद में बोर हो जाते हो, तो यू हैव मतलब कुछ तो आपके लिए इंटरटेनमेंट के लिए चाहिए, तो एक हेडफोन्स एक रहना ज़रूरी है। एक कोने में कहाँ बैठ के गाने सुन सकते हो, जो मूड है आपका, जो आप समझो वेटिंग करते हो तो आपका मूड जाता है कभी कभी, मतलब बोर हो जाते हो, तो ये गाना बिना सुन के थोड़ा सा आप खुद को एंटरटेन कर सकते हो, आपका मूड हैप्पी रख सकते हो। या फिर मैं जैसे करता हूँ, कभी कभी करता हूँ, क्या करता हूँ कि जो मोटिवेशनल सॉन्ग्स है वो सुन लेता हूँ मैच के लिए, थोड़ा इतना मतलब थोड़ा बहुत तो असर करता है, बट ठीक है, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट के लिए और थोड़ा सा अपना मूड एंगेज रहने के लिए अच्छी चीज़ है, तो हेडफोन्स रखना चाहिए। और जो नेक्स्ट आइटम है जो है कैरम कॉइन, एक भी कॉइन, एक या दो कॉइन आपके पॉकेट में आप डाल सकते हो, या फिर अगर आपने जैसे आइटम्स ये जो 9 आइटम्स में एक आइटम था बैकपैक, मतलब आप कॉइन सेट भी लेके जा सकते हैं, बट इन केस आपने नहीं लेके गया तो एटलीस्ट यू कैन कैरी 1 और 2 कॉइन, क्योंकि क्या होता है आपको वहाँ पे वेन्यू में कैरम मतलब बिफोर मैच तो आपको पीस वगैरह तो मिलता ही नहीं प्रैक्टिस करने के लिए,
तो बहुत टाइम क्या होता है, प्रैक्टिस करते हो तो जिसका मैच है जब भी आते हैं तो सब लेके जाते हैं, आपको प्रैक्टिस ही नहीं करने मिल रहा। तो एटलीस्ट आपके पास अगर एक कॉइन रहेगा तो आपको एक कॉइन से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ये बहुत अच्छा टिप है, क्योंकि हम लोग मतलब कभी कभी जाते थे मैच के लिए, कॉइन सेट ही नहीं रहता और मैच तीन तीन चार चार घंटे बाद रहता था और प्रैक्टिस ही नहीं करने मिलती थी कभी कभी। तो एक कॉइन रहेगा तो एटलीस्ट यू कैन मतलब वो कट का प्रैक्टिस कर सकते हो, सेंटर का प्रैक्टिस कर सकते हो ऐसे। तो ये अच्छा मेरे को आइटम लगता है, मतलब ये लाइक बोनस टिप के जैसा है। तो आपको एक एटलीस्ट एक कैरम कॉइन अगर आपके पास रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा प्रैक्टिस के लिए, वहाँ पे टाइम पास के लिए आप वो उससे आप कर सकते हो। इधर उधर घूमने से अच्छा, दोस्तों के साथ घूमने से अच्छा ये एक कॉइन लेके आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, ये था मेरे मस्ट कैरी 9 आइटम्स बिफोर गोइंग टू कैरम मच। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर लो, अपने दोस्तों को भी भेज दो। अगर कोई बिगनर है उसको पता नहीं है तो अब भी बहुत अच्छा टाइम है, उनको सुन सकते हो और उनको एटलीस्ट पता चलेगा दिस आइटम। समझो 9 आइटम्स नहीं लेके गए तो एटलीस्ट 3 4 आइटम जो है, जैसे लाइक वाटर बॉटल है, बैकपैक है, कॉइन है, ये तो कुछ कर सकते हैं। तो प्लीज़ गाइज लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, थैंक यू। Closed doors, I'ma fall for your love.